बैठेगी सर। क्या नाम था आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, भाजपा वाले कितने छोटे हैं कौन फंडा, देख ले खड़ा है, होल्डिंग लगा के गए हैं। महिलाओं के हक की पूरी तैयारी पंचायतों में दिलाई, 50% की भागीदारी। जी जी हैं बिल्कुल। अब ये होल्डिंग लगा दिया, अब ये होल्डिंग तब दिखेगा जब ये पार्क के नीचे की व्यवस्था दिखेगी। हाँ जी, आदमी घर से निकले तभी दिखेगा। ये होल्डिंग तब दिखेगा जब इन कर्मचारियों को तनख्वाह मिलेगी। ये होल्डिंग तब दिखेगा जब इस पार्क के अंदर चार चांद लगे हुए दिखेंगे। अच्छा, तो कमेटी वाले ने या खुद सोचनी थी या ठेकेदार ने सोचनी थी भाई, इनकी पैसा तो दे मेहनत का। देखो जी बुरो हाल पड़ो है, देखो आपने देखा है। दिखा जी, बोलो जी, दिखाया साहब। मैं चौधरी रणबीर सिंह उड्डा पार्क आ गया। अब इसके अंदर की व्यवस्था यहाँ काम करूंगा और इसके आगे की व्यवस्था यह है। आगे जा, खेत तक आपको नाली दिख रही होंगी, तो उसके आगे की व्यवस्था ये है। लोगों से विनती है जी, यहाँ पे खाने वालों से, यहाँ पे पानी पीने वालों से, कोल्ड ड्रिंक पीने वालों से, कि आप जो अड़ंगा लो वो आप डस्टबिन में डलवाया करें। देखो जी भाई साहब नमस्ते, क्या नाम अपना? सिया सराम। सिया सराम, सिया सराम। जो आपके नहीं जो टोंगे वोंगे आपने खिला रखे हैं उनको डस्टबिन में उठा लेता हूँ। हाँ, उनको डस्टबिन डलवाया, क्योंकि आपकी नाली देखो बड़ी खराब है यार। मैं वैसे ही उठा लेता हूँ हाथ से। तो आपके पार्क के अंदर की क्या व्यवस्था है? ठीक है, अभी तो बंद रहता है दिन में। बंद रहते दिन में? नमस्कार भाई साहब, ये ऐसे है नहीं। तो बच्चों को घुमाने आए? नहीं। अच्छा, सिस्टर के गए थे? सिस्टर से गए थे। चलो जी, सिस्टर के गए थे और अंदर के पार्क की दिशा और दशा दिखाने का टाइम आ गया, क्योंकि यहाँ के जो विधायक जी हैं वो यहाँ पे वीडियो बना रहे थे। भाई पार्क तो पानी तो हले भी सूखा पड़ा है, बस यह है कि बना बना के रखे हुए हैं जी। अब पता नहीं चलते हैं नहीं चलते, लेकिन यह है कि पानी की पार्क की वारे लगाए थे, महंगे इतने सस्ते थे ये भी नहीं पता, लेकिन ये चल जाए तो शहर के इस पार्क का चार चांद लग जाए और आने वाले एक अलग ही फीलिंग लेने लग जाए इस पार्क के अंदर। लेकिन ये चलते नहीं है, इसलिए फीलिंग लोग नहीं ले पा रहे होंगे। तो ये चलते चलते कर्मचारी मिल गए। नाम क्या अपना? नाम सब सुनील कुमार। अपना? मनोज कुमार। मनोज कुमार, तो आप क्या काम देखते हैं यहाँ पे? घास भूस सबको माले काम करते हैं। तो माले का काम करते, एमएलए साहब ने वीडियो बनाई थी, वो कौन सी एरिया की बनाई थी? वो साहब एमएलए साहब वो साइड बनाई है, वो साइड की बनाई है, वहाँ पे आज भी वही हाल है। वो तो ऐसे योगा के लिए बनाई गई है। अच्छा, योगा के लिए बना दी? हाँ, अब नहीं, अभी कह रहे थे। हाँ हाँ, लेकिन बना नहीं है। बनी नहीं है। तो फुहारों के अंदर पानी नहीं है, इसकी क्या व्यवस्था मानते हैं? ये हमारे खराब है जी। तो कितने लागत से लगे थे, कितने साल पहले लगे थे? ये तो हो गए जी करीब 7-8 साल हो गए, 7-8 साल खराब हो गए, बैठ चुके। यहाँ पे आपके पार्क के अंदर बाथरूम की व्यवस्था कुछ है? यहाँ पे है लास्ट कॉर्नर, वहाँ पे कॉर्नर पे बाथरूम भी है, पानी पीने की व्यवस्था भी है। तो वैसे आपका पार्क साफ सुथरा है, आपका काम दिख रहा नहीं? देखो जी, अभी सफाई तो सुनो, कौन सफाई दी किसके लिए नहीं करी हमने सफाई, एक महीना हो गया नहीं, हमारा पेमेंट नहीं मिल रहा। तनखा नहीं आई आपकी? तनखा नहीं आई है 8 महीने से। 8 महीने तो इस देश के अंदर तनखा का है या कौशल योजना है, जो प्राइवेट योजना है, या वाह योजना है, या वाह योजना है, या वाह योजना है, लेकिन वास्तव में योजना क्या है कि इन लोगों की कर्मचारी को तनखा नहीं मिलती, चाहे वो भिवानी हो चाहे कितने और की बात हो। तो साहब, तो हमारे ठेकेदार ने कहा था ठेको हमारे मेयर आओ मारो मारो, उसके साथ हमारे 31 अगस्त तक, उसके बाद हमारा पेमेंट नहीं मिला। यानी 31 अगस्त अब तक की? नहीं नहीं, 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक की। हाँ जी, मिली को नहीं अब तक? नवंबर तक मिली नहीं है? नहीं। बताओ दीवाली में गई, बताओ क्या करें, बताओ तक कितनी आपकी? 10,000 कितने कर्मचारी हैं? 8। तो ये जो ठेकेदार है किसके अधीन में है? नगर पालिका है, नगर परिषद में है, ये किसके अंदर है? नगर पालिका है, ये नगर पालिका के अंदर है। अंदर। और बताओ साहब, चेयरमैन कौन है? चेयरमैन रमेश सैनी। सैनी साहब क्या कहते हैं? कहते करेंगे वो ठेकेदार करे, वो करो, कोई बताओ। गरीब आदमी मर गए हम, बताओ बताओ, गरीब आदमी मर गए, तनखा नहीं मिली, दिवाली गई, बताओ। और काम पे रेगुलर आ रहे हो? डेली आ रही काम, तनखा भी कहा नहीं, किराया बढ़ किसी माँ आपके पैसे आपके पास मांगे लगते किराया बढ़ा, बताओ। हम दिन तो कहते हैं कही सर ये बताओ, नगद पैसा तो जो पैसे नगद दिए हुए ना वो ही नहीं मिल रहा, तनखा तो बाहर में गई। नगद पैसे कितने दिए थे? 20,000 रुपया। हमारा ताऊ यहाँ, हमारा बोल रहा था मेरे को जरूरत है। अच्छा, तो मेरे को कुछ टाइम के लिए पैसा दे दो। कौन बोला आपको ये बात? ठेकेदार जो है यहाँ, ठेकेदार। अच्छा, ठेकेदार बोले आप मत दूरत है कि मैंने पीछे उधार दे दो।
तो आपने पैसे दे दिए फिर? पैसे हमारे जो सीनियर आदमी उनसे ले गया था। अच्छा, वो भी वापस नहीं किया? तो एक से ले गया, सभी से लेके गया है? एक से लेगा। कितने लेगा? 20,000। उनको कितने महीने हो गए? उनको हो गए जी 6 महीने के। बताओ ये ठेकेदार क्या हालत है? मजदूरा में ठेकेदार पीछे मांगे है, जब मजदूरा का काम चलाओ ठेकेदार है। हाँ जी, यही बात है। हम तो बस ये हमारे पेमेंट मिल जाए, हम तो खुद सफाई हमेशा रखते हैं। सफाई सुनो, आप देखिए सफाई नहीं होने, सफाई हमारे पेमेंट नहीं मिलते, सामान भी नहीं, सामान हमारे पास सामान नहीं है, सामान ही नहीं है, झाड़ू नहीं है कुछ। इसका टेंडर कितना छूटता महीने का? महीना देखो हम तो आइडिया लम सब कुछ होगा 2 लाख के आसपास। 2 लाख के आसपास का, यानी महीने का 2 लाख रुपया ईमानदारी के ठेकेदार को आते हैं आपकी पेमेंट के रूप के अंदर। और आपकी पेमेंट है 10,000 रुपए है? 10,000 रुपए है। तो कर्मचारी कितने हैं? 8 कर्मचारी, यानी 80,000 रुपए निकल गए, है नी? एक 20 बच गया। अब एक 20 के अंदर ठेकेदार को आना जाना भी हुआ है, इनको चाय पानी पिलानी होती है, इनको सामान लेके देना होता है, वो सारे काम करना पड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य है, ना तो पेमेंट आई, ना तनखा आई, और ना ही वो 20,000 उधार दिए वे मिले, और ना ही सामान मिला, ना ही सामान मिला। सामान के बगैर आप करोगे क्या? सामान के बगैर तो प्लेट भी चाहिए, कटिंग ली मशीन लिए चाहिए ना, कैंची भी है और झाड़ू भी चाहिए हमको, है? और नहीं हमको, हमारे पास कुछ सामान नहीं है, केला क्या करें बताओ? खाली अंडो हो बस, क्या करें साहब? थोड़ी थोड़ी कूड़ा उठा के डाल देते हैं। हाँ, जैसे कूड़ी वहाँ पे कूड़ी बड़ा ही हुई है, वो इकट्ठा किया वो उठा के फेंक देंगे। बिगर सामान के कोई हो नहीं सकता। झाड़ू क्या करें? घास कैसे कटे? जो कटी नहीं है तो कैसे करेंगे? पेड़ खराब हो जाएगा, पेड़ वो हो गया, वो बड़ा बड़ा हो गया, पेड़ हो जाए खराब। यानी ईमानदारी की काम न करने की वजह से इस पार्क का सत्यानाश होना शुरू हो जाएगा सर। ये तो भाई लास्ट में यही होगा सर, है ना? यही होगा सर लास्ट में जी, बस और क्या करें? अरे कूद के आते हैं इधर, आते हैं कूद 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 के, लेडीज बहन क्या क्या करें बताओ? अच्छा, और 4 बजे गेट खोलते हैं, आज हम खोल दो, चलो जान दो, ब्याह शादी के लिए जो ले आते हैं सब खोल देते हैं। ये कह दिया हम लोग, चलो क्या बिना पेमेंट क्या करें? आप भी बताओ, आप भी खुद पढ़ा लिखा आदमी हो, इंसान हो, आप जो जो काम पे नहीं गए, जो आपको ठेकेदार पैसे नहीं दिए, तो फिर क्या करेंगे? बच्चे कितने आपके? बच्चे मेरे, मैं तो कुआरा हूँ सब। कुआरे हैं? और आपके बच्चे कितने? एक लड़की है। एक लड़की है, अब वो परिवार से 6-7 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, तो घर का गुजारा कैसे चल रहा है? बहुत मुश्किल है जी गुजारा चलाना। मैं तो खुद मेरी भाण तो रहता हूँ, उसके वो तो भाण बेटे कितने लेंगे रुपये लेंगे? आप भी मतलब समझदार आप को भाण बेटे वो तो कब तक देगी रुपया? बस अगला मैं रोटी रोटी देते हैं बस, और किराया बढ़ देते हैं, और तनख्वाह मिली उन लोगों को पैसे दूंगा मैं। एक सपोज की बात है बताऊं, सही वाक्य में है मेरे, मैं एक मेरे भाई है वो मजदूरी करता है, ये बताओ बिना रुपए माता पिता है, वो खुद बुढ़े बैठे, ये बताओ वो खुद कह रहे नो अवेलेबल पेमेंट, पेमेंट में आए नहीं, कहां से दूं पेमेंट? नहीं बताओ, आप बताओ बिना घर वाले कहां से दें? चलो जी, एक विनती है, चाहे पार्क कहीं के भी हो, आप लोग जो ये कोका कोला पीते हैं, डू पीते हैं, पीने काम करते हैं, खाते हैं ना, तो कृपया करके आप डस्टबिन लाने का काम कर दिया करें। जब तक इनके लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती, ये काम नहीं करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो आपके पार्क की दशा बिगड़ जाएगी। लेकिन जब तक बनती है आप बताओ, देखे यहाँ पर 5-6 बंदे बैठे दारू पी रहे थे। अच्छा अच्छा, बताओ ये बताओ क्या करें? तो आप नहीं रोक रहे? हम आए थे, इसलिए आए थे। चक्कर राउंड मार लिया। आपको तो दिलचस्पी पूरी पूरी है काम करने में, लेकिन तनख्वाह नहीं मिलेगा, करो के गए भूखे मरते हैं। क्या नहीं है साथ, और आप आपको बता दूं, आगे वो आपको बताएं जो दान सिंह है, वो भी दिखा देते हैं। आ जाओ चलो। और ये क्या फिर? ये तो जो पहले ना, या जो ये ना डंडा, हाँ कच्चा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कूद के आते थे इधर से। अच्छा अच्छा, तो ये क्या था? ये आईटीआई थी पहले। अच्छा, ये आईटीआई थी? अच्छा, एक स्टाफ के क्वार्टर है आईटीआई के। अच्छा अच्छा, तो एक काम है, पार्क के यहाँ से कूद करते हो तो गलत काम करते हो यहाँ पे, तो इस चीज का क्या कह सकते हैं? नहीं बताए ना, आप यहाँ लोकल होंगे, लोकल गलत काम होते होंगे फिर यहाँ पे, तो और क्या होता होगा? बस गलत काम होते हैं। आज मैं दिखा गया हूँ कि पार्क की यार्ड में पीछे के गलत काम भी होते होंगे इन बिल्डिंगों में, कृपया करके अगर खंडित है खंडर है तो इनको फुड़वा दिया जाए, है नी, ताकि इसके अंदर जाने का रास्ता है क्या? अंदर तो जाली इधर से कहीं टूटी होगी, टूटी होगी जैसे ये टूटी हुई है, नहीं रास्ता सही बना होगा जी, पीछे की साइड से। हाँ ये टूटी, एक बारी जाने की कोशिश करो, इधर 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 से चलो, आज फिर आज चलते हैं, दिख जाएगा। आज ये जी खंडर है तो इसको उतरवाने का काम किया जाए,
ताकि यहाँ पे कोई गलत काम ना हो। नहीं हाँ, अब तोड़ने वाले हैं वो हंगा है। जो सियाह लगाते हैं इनको तोड़ने के लिए, इनको तोड़ने की बजाय आपको अच्छा काम करने का काम किया करें। ये आप लोगों के धोबर उखाड़ने चक्कर में। देखो सर ये था डंडा। अच्छा ये पार्क की आगे की व्यवस्था सफाई है भाई, अभी कर्मचारी तनख्वाह नहीं मिल रही तो ना मिलने के कारण इन लोगों ने सफाई नहीं की हुई और उसकी व्यवस्था ये बन गई। अभी पार्क की व्यवस्था ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो एमएलए साहब क्या बोले फिर, तंखा दुआ होंगे कौन दुआ में कही थी साहब, तो ये बोले फिर एमएलए साहब बोले तंखा दुआएंगे आपको दुआएंगे ये बात, कब तक दुआ होंगे फिर दिवाली को दुआने जी तुम्हें काम आ जाए दो रुपये आलिए साहब। दिवाली भी गई अभी, आगे दिवाली बाहर देखे साहब, अगली दिवाली बाहर देखोगे क्या करें। नहीं तो हम खुद आज होगी 14-15-16 को 16 तारीख को ताला लगा देंगे हम। ये जुल्ला टूट गया थोड़ा तोड़ने का काम करना, तंखा में मिले बच्चे देख के गया था, दांतिन देख के गया था, दानसिंह लगा के गया था। हाँ देख के गए थे, इसका भी सुनता था देख के गए, दान देख के गए थे, देख के गए थे क्या टूट रहे हैं तो देख के गए। फिर लगे को नहीं अभी तक, नहीं अभी तक फिर एमएलए की देखना क्या फायदा हुआ, तो उनके मन की बात तो वही बता सकते। हाँ एमएलए ने जब देखे, एमएलए गया है दौरा करके गया है तो एमएलए का फायदा क्या, दौरे का जब झूला टूट के टूटा हुआ जो तो लगा ही नहीं है, गलत ने कहा जी बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने साहब एक आदमी आया था, सुनो दान सिंह हमको पैसे दे गया था कली का, वो तो कली भी कर दी हमने पेड़ पौधे के। अच्छा आपने देखे उधर है। अच्छा उसके बाद वो आगे बरसात उसके बाद कली नहीं करी पेड़ पौधे के। अच्छा, अच्छा। पैसे और एक आदमी बीच में मैंने बोला बोले 350 रुपये कट्टा आएगा, 50 रुपये तू जाए मार्केट में लिया 250 भूसी भी आता है कली भी आती है उसमें। ये वो एरिया है। हाँ ये हाँ ये है, यानी ये इस पार्क का ग्रहण है नहीं दाग कह सकते इसको, तो ये दाग है जी इस पार्क का। जो आज आने वाले लोग हैं यहाँ पे क्या देख के तो कहने पड़ेगी सर, क्या नाम था आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी बासवा वाले कितने छोटा है कौन फंडा देख ले खड़ा है, होल्डिंग लगा के गए हैं महिलाओं के की पूरी तैयारी पंचायतों में दिलाई 50% की भागीदारी जी जी है बिल्कुल। अब ये होल्डिंग लगा दिया, अब ये होल्डिंग तब दिखेगा जब ये पार्क के नीचे की व्यवस्था दिखेगी। हाँ जी आदमी घर से निकले तभी दिखेगा, ये होल्डिंग तब दिखेगा जब इन कर्मचारी को तनख्वाह मिलेगी, ये होल्डिंग तब दिखेगा जब इस पार्क के अंदर चार चांद लगे हुए दिखेंगे जी जी। लेकिन ये है कि आज इस चार चांद की है, तनख्वाह की है, होल्डिंग का है, किसी का कोई महत्व नहीं दिख रहा क्योंकि ये होल्डिंग के नीचे की व्यवस्था है। बस यह है कि सूचना जन संपर्क भाषा तथा संस्कृति विभाग ने टप्पा से टप्पा दिया, ये है कि लगाने हैं। अब ये नहीं देखना कि लगाने कहाँ पे हैं जी, इन्होंने गिनती पूरी कर दी है, गिनती पूरी कर दी कि हाँ जी हमने प्रमोशन के अंदर कोई चीज का फर्क छोड़ा है को नहीं है बिल्कुल। लेकिन पता नहीं था कि मेरा जैसा पागल पत्रकार भी आ जाएगा और वो होल्डिंग दिखाऊंगा और पार्क की व्यवस्था दिखाऊंगा और ये चीज है जो लोग भी दिखाओगे क्योंकि होल्डिंग का बड़ा महत्व है। इन होल्डिंगों से नेताओं का, इसी मीडिया से सरकार का काम पता चलता है कि सरकार कितना काम कर रही है आप लोगों के लिए। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन आज आपका नहीं तो होल्डिंग दिख रहा जी। नहीं एक पार्क के अंदर घुसते ही आपके पार्क की व्यवस्था दिख रही और ना एक कर्मचारियों की तनख्वाह ग्रुप में तनख्वाह दिख रही। बस यह है कि है तो लॉलीपॉप है, अधिकारियों के पास लगाने वाला लॉलीपॉप है और इनको लेने वाला लॉलीपॉप है, सभी के मुंह में लॉलीपॉप है। ठेकेदार है वो इन पे पैसे उधारे मांग रहे हैं तो क्या तनख्वाह देगा और क्या इनको दिला पाएगा, क्या दिला पाएगा, दिला पाएगा। चलो जी आगे विचार आपको आगे दिखा दूंगा, लेकिन होल्डिंग की व्यवस्था यहाँ पे सुंदरता दिखती नहीं है। कृपया करके ये तो होल्डिंग सही जगह लगाओ, सही जगह ताकि सरकार का काम दिखे। हाँ जी, 50% महिलाओं की भागीदारी दिखे। अब ये होल्डिंग दिखेगा या इस पार्क के घूमने वाले लोग दिखेंगे जब यहाँ से आएंगे कि ये तो योगा वो बनना है जी, योगा बनना ना, योगा बनना, योगा स्थल बनना है। और यहाँ पे सौभाग्य से विधायक जी दौरा करके जा चुके ना। चलो जी हम अब आगे चलेंगे, आगे बस स्टैंड आएगा, बस स्टैंड के आगे आपको लोगों की और राय दिखा देंगे और जिनके अंदर मिलेंगे मेन सुपरवाइजर ये ना, क्या नाम है अपना? रामानंद जी। तो सर 8 महीने से कर्मचारी तनख्वाह नहीं मिल पा रही, किस तरह से काम चलेगा आप लोगों का, किस तरह से पार्क दिखेगा, किस तरह से टाइम पास कर रहे हैं और क्या करना जी समझो। पैसा तो 8 महीना आएगा जी है और पार्क में भी कुछ पैसे मैंने अपनी जेब से भी मान ले लगा रखा था ठेकेदार की वजह से, वो भी नहीं दे रहा है जी। ठेकेदार नु कह रहा है नगर पालिका मिलेंगे जब दूंगो, अरे मैंने तू तेरे घर बच्चों की भी फीस मैंने भरी है, वो भी पैसे मेरे को नहीं दे रहा है। आपने दी थी 20,000? हाँ जी।
एक जनी को और दिया था 15,000 रुपए। अच्छा, एक जन और दिवाए थे। हाँ, ठेकेदार वे भी नहीं दे रहे। अच्छा, 20-1 हो गए, 15-1 हो गए। बताओ त्योहार पर तनख्वाह नहीं मिली तो क्या करेंगे, क्या खाएंगे मेरे बच्चे? 8-8 महीना हो गया तनख्वाह नहीं मिल गई। तनख्वाह मिलती कितनी आपको? तनख्वाह तो जी ठेकेदार 12,000-11,000 रुपया ऐसे देता है। अच्छा, कमेटी ना सुनाई करीब, मान लिया वो तो छोड़ कर चला गया तो कमेटी ने सुनाई करनी थी। आपने देखना देखना ना था ना कमेटी ने, मतलब हमने जो गोल कर रखा था, चकमा दे रखा था, भी आगे ठेका मेरे है, मेरे है, तुम काम करे जाओ, तो हमने जी काम कर लिया। तो आपका ठेकेदार वहां से पेमेंट ले गया? पेमेंट जो वो करा कि आगे मेरे ठेके नहीं बजा। अच्छा, पहले तो बोला मेरे ही आओगा ठेका, मेरे ही आओगा, और आगे फिर नु कर जी मेरे ठेका नहीं बजा है, तो बोले भाई मैं तो जितने दिन था ना उतना दिन का ही दूंगा, आगे तुम जानो नगर पालिका जाना। तो जितने दिन के बने थे उतने दिन के मिल गए? उतने दिन का मिल गया जी, बाकी भी 8 महीने। 8 महीने ये देखो जी, वो अभी तक पेंडिंग है। वो लवले जाम दे रखा था हमने। हाँ। तो जी मेरे ही ठेका होगा, मेरे ही। तो सुबह कितने बजे ड्यूटी पर आते थे और शाम को कितने बजे जाते थे? सुबह जी 8:30 से और शाम को 5 बजे तो जी इनकी है, और मेरी ड्यूटी है सुबह 8 से और शाम को 8 तक, 12 घंटा जी। 12 घंटे। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड मान लो, चौकीदार लगा लो जी। आप चौकीदार भी, सुपरवाइजर भी, आप सब चीज आपके अंडर है? हाँ जी, मेरे अंडर में है। तो कहीं बात हुई अधिकारी से? एमएलए साहब आए थे, कुछ कहा एमएलए साहब ने? बोला मैं दुआऊंगा जी। अच्छा, बोला जी मैं करवाऊंगा। आज जी 7-8 दिन आ गए, 7-8 दिन हो गए, लेकिन अभी तक वो 7-8 दिन में बात आपको ठंडे बस्तम पड़ी है? ठंडे बस्तम, कोई सुनाई नहीं है हमारी तो। छुट्टी पर अभी आओ रोज? हाँ जी, डेली आएंगे रोज जी ना ड्यूटी तो नहीं सुनाई होगी, इतने तक आएंगे काम पर। अच्छा, तो पैसा तो आपने कम देना ही पड़ेगा। नगर पालिका में गया था जी, सामान की मैंने लिस्ट बना के दे दी थी दान सिंह के सामने जी, वो एक किल्लू राम जी है जी, उसको दे दी थी। अब भाई हमें सामान तो झाड़ू चाहिए या कोई ब्लेड घास घूस वगैरह काटने की, उन्होंने बोला देंगे, वो सामान भी नहीं आया जी, ऐसे ही पड़े है। कितने महीने से नहीं आया सामान आपको? नहीं मिला सामान जी, पिछले महीने की 20 तारीख को। 20 तारीख को? हाँ जी। और अभी लेटर दिया था? हाँ जी। आज 14-15 होगी? होगी हाँ जी, 14 हो गई जी, 6 दिन बाद। हाँ, एक महीना पूरा हो जाए, एक महीना पूरा हो जाएगा। यानी एक महीने से इस पार्क के अंदर ना तो कंजी चली है, ना ही झाड़ू लगी है, ना किसी व्यवस्था में। झाड़ू तो लगा रहे हैं, की वजह से तो जी लाइट भी नहीं थी, दो दिन से लाइट भी नहीं थी। कल मैंने जी वो एप्लीकेशन लिख कर वो दी है जी ड्यूटी वालों को, कंप्लेंट जब आज दोपहर में आई है जी लाइट। अरे पार्क ये पार्क की अंदर से खराब है? ये तो जी 6-7 महीनों से खराब है, लगे थे तब से नहीं, एक बार चलाए थे फिर। अच्छा, वो बस मेंटेनेंस में पड़ गए जी, सिर्फ मेंटेनेंस की वजह से करी थी, लेकिन फिर बाद में वैसे को वैसे हैं जी, चले नहीं है। तो जिस प्रकार से जो पार्क में पैसा लगा था, जिस प्रकार से पार्क टिक पाओगा भविष्य के लिए, बचेगा पार्क? ना जी, कुछ नहीं बच रहा है, कुछ नहीं बचेगा। अब क्या क्या बचेगा जी, हमारे पेमेंट नहीं मिलेगी तो हम कल बाहर है तो गाय घूमेंगे यहाँ गाय? हाँ, या नगर पालिका संभालो जी। और यहाँ पे दो सरकार काम करी है, कांग्रेस की भी काम करे है और भाजपा की काम भी करे है, जरूर जी। एमएलए साहब हाँ जी, कांग्रेस से है और भाजपा से एमपी साहब हाँ जी। लेकिन हालात ये है कि 8-8 महीने से लोगों की तनख्वाह नहीं मिल रही, और पार्क की व्यवस्था ये है जो कोई भी कौन कोई देखने नहीं आ रहा कमेटी से। कम से कम तसल्ली तो करे भाई, काम हो रहा है नहीं हो रहा है? चलो नहीं, अब देखने आएंगे जी, क्योंकि वीडियो चलेगी और आपके महेंद्रगढ़ के लोग देखेंगे तो पता चलेगा उनको दर्द आपका, कि आपको तनख्वाह नहीं मिल रही और आपका देखा। अच्छा, तो कमेटी वाले ने या खुद सोचनी थी या ठेकेदार ने सोचनी थी भाई इनकी पैसा दे मेहनत का? देखो जी बुरा हाल पड़ो है, देखो आपने दिखा जी, दिखाया साहब मैं, जिसका खड़ा नहीं दिखता उसको पड़ा हुआ क्या दिखेगा है नहीं? तो आप 8 महीने से नहीं दिख रहे, मेरे आने से क्या दिखेगा? लेकिन यह है कि अब आप चर्चा का विषय बनोगे महेंद्रगढ़ के अंदर।